हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका पेलियोनोलॉजी, राइट? तो पेलियोनोलॉजी जो वर्ड है, बेसिक जो मीनिंग है इसका, वो ये हम वर्ड यूज़ करते हैं स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स, राइट? सबसे पहले पेलियोनोलॉजी का जो वर्ड है वो दिया आपका हाइड एंड विलियम ने इन 1944। सो कौन से ईयर में दिया उसे अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, 1944। और ये जो वर्ड है पेलियोनोलॉजी, दो वर्ड से मिलकर बना है, ग्रीक के दो वर्ड से। फर्स्ट वर्ड है आपका पेल्यूनो और दूसरा वर्ड है आपका लोगोस। अगर मैं इस दोनों की वर्ड्स पे जाऊँ, ग्रीक मीनिंग पे जाऊँ, तो इसका मतलब क्या है? स्टडी ऑफ डस्ट पार्टिकल। ओके, सो डस्ट पार्टिकल की स्टडी को क्या बोलते हैं आपका? पेल्यूनोलॉजी, राइट? तो ये हमने देख लिया। अब बात करते हैं इसकी कुछ सिग्निफिकेंस की और इस डायग्राम की। सो देखो, यहाँ पे ये जो डायग्राम है ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी आपके पोलन ग्रेन का। सो पोलन ग्रेन के अंदर सबसे बाहर की, अभी मॉर्फोलॉजी की बात कर लेते हैं, तो बाहर की तरफ आपको एक लेयर मिलती है जिसे हम क्या बोलते हैं? एग्जाइन। और ये हार्डेस्ट लेयर होती है, लाइक आपकी सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट लेयर। एज अ फॉसिल आप इसे कंजर्व कर सकते हैं। ओके, इसके अंदर आपको दो न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं, एक है आपका वेजिटेटिव न्यूक्लियस और एक है आपका जनरेटिव न्यूक्लियस। इन दोनों की शेप, कंटेंट, सब कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। अंदर के लेयर को हम बोलते हैं इंटाइन और ये बहुत ज़्यादा थिन होती है, डेलिकेट होती है। यहाँ पे आपको एक पोर भी दिख जाएगा छोटा सा, जिसे हम क्या बोलते हैं? जर्म पोर। और वहीं से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। अभी हम बात कर लेते हैं इसकी कुछ सिग्निफिकेंस की, जैसे कि पेलियोनोलॉजी की क्या क्या सिग्निफिकेंस है। ओके, सो पोलन ग्रेन की सिग्निफिकेंस नहीं, पेलियोनोलॉजी की हम सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं। सबसे पहले पेलियोनोलॉजी के थ्रू लाइक टेक्सोनॉमिकल स्टडीज हम कर सकते हैं, इसके थ्रू डिफरेंट डिफरेंट जो प्लांट्स हैं उनका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, और इवोल्यूशन की जो प्रोसेस है उसे अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले तो हो गया आपका टेक्सोनॉमिकल स्टडीज, दूसरा हो गया आपका इन ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन। अब आप ये सोच रहे होंगे इसमें इसका क्या यूज़ है, तो बेसिकली क्या होता है, जितने भी लाइक इसके थ्रू जो जो आपके ऑयल हैं, ठीक है, गैस के जो प्लांट है, अंडरग्राउंड वाटर, ये सारा हम फाउंड कर सकते हैं, इससे स्टडी करते हैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट एलर्जीज की। अब जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो एलर्जीज होती हैं जो कि पोलन ग्रेन्स के थ्रू होते हैं, वो एयरबॉर्न होती है, राइट? सो इसमें क्या होता है, आपका एस्थमा देखने के लिए मिलता है, हे फीवर देखने के लिए मिलता है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती है, ठीक है? सो स्टडी ऑफ एलर्जी भी हम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। फॉरेंसिक साइंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपका पोलन ग्रेन्स फॉरेंसिक साइंस में भी। और आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी क्यों? क्योंकि इसके जो आउटर लेयर होती है वो एग्जाइन होती है, और एग्जाइन जो है वो स्पोरोपोलरिन से बनना है, और स्पोरोपोलरिन लाइक वर्ल्ड का हार्डेस्ट मटेरियल है, तो इसलिए आर्कियोलॉजी, जहाँ पे हम सारे फॉसिल्स की स्टडी कर सकते हैं, तो वहाँ पे आर्कियोलॉजी में हम पोलन ग्रेन की स्टडी करते हैं, तो यहाँ पे भी एक सिग्निफिकेंस पार्ट है इसमें। और इसमें लाइक अगर बात करूँ आपकी पेलियोनो, आपकी इकोलॉजी आ जाती है, और भी बहुत सारे लाइक सिग्निफिकेंस है, बट इतना इनफ है आपके लिए, 5 सिग्निफिकेंस। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं इसके मॉर्फोलॉजी की। मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर का स्ट्रक्चर्स, तो एक्जाइन दो न्यूक्लियस मैंने आपको बताया, और अंदर की लेयर इंटाइन, राइट? तो अभी स्टार्ट करते हैं इसके साइज से। सो साइज तो इसका बहुत ज़्यादा वेरी करता है, लाइक किसी किसी स्पीशीज में तो बहुत कम साइज होता है, बट किसी किसी स्पीशीज में आपको ज़्यादा भी बड़े देखने के लिए मिल जाते हैं पोलन ग्रेन का साइज़। ये डिफ़र करता है स्पीशीज टू स्पीशीज, हर किसी के लिए सेम नहीं है, हर स्पीशीज के लिए चेंज होता रहेगा। ओके, उसके बाद करते हैं बात शेप की। ओके, तो शेप आपको ज़्यादातर सर्कुलर ही देखने के लिए मिलती है, ओवल, सर्कुलर, ठीक है, हाफ लूनर, ये ज़्यादा सारी कॉमन है, बहुत ज़्यादा जो आपकी शेप्स हैं बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करती आपकी स्पीशीज टू स्पीशीज, एज सेम एज आपके साइज के थ्रू। ओके, सो ज़्यादातर ये आपको स्पीशीज में सर्कुलर और आपका ओवल ही दिखाई देगी। उसके बाद आपकी वॉल की बात आती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो वॉल तो आपकी लाइक दो है, एक होती है आपकी आउटर मोस्ट और एक होती है आपकी इनर मोस्ट। आउटर मोस्ट आपकी एग्जाइन है, इनर मोस्ट आपकी इंटाइन है, बहुत ईजी है याद करना। इसके साथ साथ आपको जो पोलन के ऊपर एक पोलन कोट मिलता है, ये पोलन कोट क्या है, ये ना आउटर सरफेस जो है एग्जाइन का, जो आउटर मोस्ट लेयर है उससे भी आउटर जो है, आउटर मोस्ट सरफेस, उसे हम क्या बोलते हैं? पोलन कोट। ओके, और ये प्रोटेक्ट करके रखता है पोलन को बहुत अच्छी तरीके से।
अब नाउ यहाँ पे और अच्छी तरीके से हम इसे देख लेते हैं, इस पूरी ही मॉर्फोलॉजी को। सो जैसे कि मैंने आपको बताया है, जो बाहर का कोड है वो क्या है, पोलन कोड। अब यहाँ पे एक लिक्विड लिपिड सब्सटेंस जो कि है इसके ऊपर पूरा प्रेजेंट रहता है और वो सिक्रीट करा जाता है टैपेटम के थ्रू। ये टैपेटम हम तब पढ़ते हैं जब हम माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ते हैं, ओके। सो माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम ही मेन पार्ट है इसका। तो जब पोलन का फॉर्मेशन नहीं होता, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन नहीं होता, तो माइक्रोस्पोरेंजियम जो होती है वो आपकी लाइक बीच में आपकी पोलन मदर सेल है, इट इज़ PMC, ओके, पोलन मदर सेल। और ये जो भी मैं आपके लेयर्स बना रही हूँ, ये अंदर की तरफ आपको एक टैपेटम लेयर मिलती है, ओके। बाहर की तरफ आपकी एपिडर्मिस होती है, आपकी एंडोथीसियम होती है और आपकी कुछ मिडिल लेयर्स होती हैं। और ये जो टैपेटम लेयर आपको मिलती है जो कि पोलन मदर सेल को प्रोटेक्ट करके रखती है, ये नरिशमेंट का काम करती है, ओके, पोलन मदर सेल का। और इसी को हम क्या बोलते हैं, नर्स सेल, ओके। सो टैपेटम को ही हम नर्स सेल बोलते हैं और यही प्रोटेक्शन और नरिशमेंट का काम करती है PMC का, विच इज़ पोलन मदर सेल। और यहाँ पे पोलन ग्रेन की कंडीशन में पोलन कोट के ऊपर ये क्या सिक्रीट करती है, एक लिपिड सब्सटेंस, ओके। और इस लिपिड सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, पोलन किट, और आप क्या बोल सकते हो, ट्राइफीन, ओके। सो ट्राइफीन आप बोल सकते हो या फिर आप क्या बोल सकते हो, पोलन का पोलन किट। अब इस पोलन किट जो ये नाम है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। सबसे पहले अट्रैक्ट करती है इंसेक्ट को अपनी तरफ, जब इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी तो पोलिनेशन अच्छा करवाएगी, ओके। सो पोलन किट अगर अच्छी होगी तो अट्रैक्शन अच्छा होगा इंसेक्ट्स का, उसके थ्रू ही जल्दी जल्दी पोलिनेट होगा फ्लावर। अब यहाँ पे ये जो स्टिकी नेचर की होती है आपकी जो पोलन किट है, तो पोलन ग्रेन्स अटैच रहते हैं बहुत अच्छी तरीके से इससे, और इसी के थ्रू जो पोलिनेशन की जो प्रोसेस है वो अच्छी तरीके से होगी, ओके। और यही हेल्प करती है आपकी डिस्पर्जल में पोलन ग्रेन्स का, और प्रोटेक्ट करती है पोलन ग्रेन्स को अल्ट्रावायलेट रेस से। तो मैंने आपको इसके चार पॉइंट्स अच्छी तरीके से बता दिए, दोबारा से रिपीट करवाती हूँ। सबसे पहले तो अट्रैक्ट करती है किसी भी इंसेक्ट को, सो जितने भी बायोटिक एजेंट है उसे अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ ताकि पोलिनेशन अच्छी तरीके से हो जाए, ओके। दूसरे की बात करते हैं, विच इज़ प्रोटेक्ट करती है यही है आपके पोलन ग्रेन्स को, डिस्पोजल अच्छी तरीके से करवाती है, और उसके बाद स्टिकी नेचर की होती है तो क्या होगा, अटैच रहेंगे इससे पोलन ग्रेन्स, ओके। तो इसकी बात तो हमने अच्छी तरीके से कर ली। नाउ एग्जाइन और इंटाइन की बात कर लेते हैं। सो एग्जाइन, जैसे कि मैंने आपको बताया, आउटर मोस्ट लेयर है और ये बनी हुई होती है आपकी स्पोरोपोलिनिन की। स्पोरोपोलिनिन बहुत ज़्यादा हार्डेस्ट मटेरियल है, अगर कोई भी आपके बहुत ज़्यादा pH का इस पर असर नहीं होता, चाहे बेसिक सब्सटेंस हो उस पर कोई असर नहीं होता, हाउएवर ईयर्स ऑफ ईयर्स तक ही ख़राब नहीं हो सकती। ये मोस्ट लाइक हार्ड रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, ओके। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो आपका पोलन ग्रेन होता है उस पर ना ऑल ओवर लाइक पूरे ही पोलन ग्रेन पे इन टाइम तो हर जगह प्रेजेंट रहती है, लेकिन सिर्फ एक जगह ऐसी है जहाँ पे लाइक आपका जो एग्जाइन है वो प्रेजेंट नहीं रहती पोलन ग्रेन्स पे जगह जगह। तो वो क्या होते हैं, आपके छोटे छोटे जर्म पोर्स होते हैं, और यही जर्म पोर से ही आपका जो पोलन ट्यूब है उसका फॉर्मेशन होता है। पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन क्यों होता है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन इसलिए होता है ताकि फ्लावर की स्टाइल में जाके जो आपके मेल गैमीट्स है वो रिलीज हो जाए और आपका फ्रूट का फॉर्मेशन हो, ओके। सो मेल गैमिट्स रिलीज होंगे तभी फर्टिलाइजेशन होगा और तभी आपकी फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। एग्जाइन को हमने दो पार्ट में और कैटेगराइज करा है, विच इज एक्टेराइन एंड एंडेक्सराइन, ओके। सो ये दो आपके पार्ट्स हैं, हाउएवर इन्हें अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग बुक में स्टडी करा जाए तो कुछ और देखने के लिए मिलता है। हाउएवर जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी आपको बताती है, मैं आपको वो बता रही हूँ, ओके। सो यहाँ पे ये सारी चीज़ लाइक मॉर्फोलॉजी तो हमने अच्छी तरीके से देख ली, ये मैंने आपको लाइक एक छोटा सा दिया है कॉन्सेप्ट के ऐसा है ये सब कुछ, और जो आपको डिस्क्राइब कर दिया है इतना सारा, तो आपको सब कुछ थ्योरी पार्ट बना के लिख के आना पड़ेगा एग्जाम में, ओके। सो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया, विच इज़ PMC पोलन मदर सेल, ये क्या करती है, आपके डिवीजन के बाद पोलन टिट्राट का फॉर्मेशन करती है। पोलन टिट्राट क्या होता है, इसे एक बार अच्छी तरीके से देख लेते हैं। सो ये आपको एक सर्कल है, उसके अंदर आपको चार पार्ट्स मिल रहे हैं, यानी कि चार पोलन ग्रेन्स मिल रहे हैं। तो पोलन टेट्राड आपकी इमेच्योर कंडीशन में रहते हैं जब तक आपका डहिसेंस नहीं हुआ है। जैसे ही डहिसेंस होगा तो पोलन ग्रेन्स क्या होंगे, मिच्योर हो जाएंगे और सब अलग अलग हो जाएंगे, ओके। सो आपको सब अलग अलग देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद क्या होता है,
आपके जो पोलन ग्रेन्स हैं, लाइक आपके ये पोलन ग्रेन्स मिच्योर इमिच्योर कंडीशन में, फिर ये मिच्योर कंडीशन में जाएंगे, वो आपकी अलग प्रोसेस है। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया, दो आपके न्यूक्लियस मिलते हैं, एक होता है आपका वेजिटेटिव न्यूक्लियस पोलन ग्रेन के अंदर, और छोटा वाला होता है आपका जेनरेटिव न्यूक्लियस। ओके, वेजिटेटिव बड़ा वाला न्यूक्लियस है और जेनरेटिव छोटा वाला न्यूक्लियस है। यहाँ पे आपको बहुत अच्छा साइटोप्लाज्म मिलेगा, और नीचे की तरफ, और आपको कैसा साइटोप्लाज्म मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा डेंस साइटोप्लाज्म मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे जो जेनरेटिव सेल है, यही दो मेल गैमीट का फॉर्मेशन करवाती है। सो यहाँ पे जो आपका मिच्योर मेल गैमीट होगा, मिच्योर पोलन ग्रेन होगा, वो थ्री सेल कंडीशन में होगा। कैसा होगा? थ्री सेल कंडीशन में। हाउएवर ये कैसी है? टू सेल कंडीशन। सो यहाँ पे ये जो जेनरेटिव सेल है, यही क्या करेगी, आपके जेनरेटिव सेल, जेनरेटिव न्यूक्लियस, या इससे दो मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। ओके, मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी तीन सेल स्टेज पोलन ग्रेन की। क्यों? एक तो उसमें वेजिटेटिव वाला होगा, और दो नीचे की तरफ आपको दो मेल गैमीट देखने के लिए मिलेंगे। सो ये तीन सेल स्टेज कंडीशन करवाती है आपकी पोलन ग्रेन्स की। अब यहाँ पे वायबिलिटी की बात कर लेते हैं पोलन ग्रेन्स की। तो लाइक कोई भी आपका पोलन ग्रेन जो है, वो कैपेबल है प्रोड्यूसिंग और इलेंगेशन के लिए, उसके जर्म ट्यूब के लिए, यानी कि पोलन ट्यूब के लिए, जिसे हम जर्म ट्यूब भी कहते हैं। तो वो क्या है? वायबल पोलन ग्रेन है। अब यहाँ पे जो वायबिलिटी है किसी भी पोलन ग्रेन की, वो इफेक्ट करती है ह्यूमिडिटी पे, टेम्परेचर पे, और आपकी अल्ट्रा वायलेट लाइट पे। ओके, सो ये अफेक्टिव लाइक फैक्टर अफेक्टिंग है इसके, कि ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, और अल्ट्रा वायलेट रेज पे डिपेंड करती है आपकी वायबिलिटी किसी भी पोलन ग्रेन की। ओके, सो ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी पोलन पिस्टल इंटरैक्शन की। सो ये पोलन पिस्टल इंटरैक्शन क्या होता है? देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये आपका फ्लावर का स्टाइल है। ओके, और यहाँ से लाइक विंड के थ्रू आप सोच सकते हो, विंड पोलिनेशन है। सो यहाँ पे आपका पोलन आके बैठा। अब ये जो पोलन है, या तो ये टू सेल स्टेज में होगा, या फिर ये थ्री सेल स्टेज में होगा। अब ये आके जो बैठा, ये क्या करेगा, सबसे पहले इससे एक डायलॉग कन्वर्जेशन करेगा। डायलॉग कन्वर्जेशन मतलब, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी, ये इस वाले फ्लावर से क्वेश्चन करेगा। और ये डायलॉग कन्वर्सेशन हर किसी पोलिनेशन के टाइम पे होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। पोलन तो आपका मेल पार्ट हो गया, और फीमेल सब क्या हो गया, आपका पिस्टल पार्ट। तो इंटरैक्शन यहाँ पे होगा, अगर ये जो है पिस्टल एक्सेप्ट करेगी, तभी आगे जर्मिनेशन होगा, फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। हाउएवर अगर ये एक्सेप्ट नहीं करती है आपकी पोलन को, अगर नहीं करती है पोलन को एक्सेप्ट, तो जर्मिनेशन नहीं होगा, सीड का कोई फॉर्मेशन नहीं होगा, ऐसा कुछ भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ओके, सो ये सारी चीज़ आपको नहीं देखने के लिए मिलेगी अगर पोलन पिस्टल इंटरैक्शन जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। हाउएवर ये जो इंटरैक्शन है, बेसिकली ये केमिकल कंपोनेंट्स के थ्रू होता है पोलन और पिस्टल के बीच। ओके, और अगर रॉन्ग टाइप का होगा, तो यहाँ पे कोई भी आपका पिस्टल जो है आपका आगे जर्मिनेट नहीं होगा, कि फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं देखने के लिए मिलेगा आपको। सो ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके, सो आई होप समझ में आ गया हो आज का सेशन अच्छी तरीके से। सो आपको क्या करना है, इस पूरे ही सेशन को जल्दी से अपवोट कर देना है। ओके, यहाँ पे आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे आई बटन है। अगर कोई भी आपको डाउट है, तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।